यूपी बोर्ड के लिए बनाया जा रहा है, जो स्टूडेंट 9वीं में है 11वीं में है उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूँ। आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि क्या बदलाव किया जा रहा है यूपी बोर्ड में इस साल, यानी जो लोग 2020 में परीक्षा देंगे उनमें क्या बदलाव हो रहा है। जो लोग इस साल परीक्षा दे रहे हैं वे तो ऑलरेडी परेशानी में है, क्योंकि जहां सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए, वॉइस रिकॉर्डर लगा दिए गए, कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं हुई, या कुछ स्टूडेंट थे जो क्लास नहीं किए पढ़ाई के बावजूद। लेकिन अब जब आप पढ़ाई करेंगे तो काफी मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी, यही कुछ बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है, गणित अनिवार्य कर दिया गया है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं वो न्यूज। तो ये न्यूज है देखिए दैनिक जागरण की, यूपी बोर्ड में कोई विकल्प नहीं, विज्ञान के साथ कला और वाणिज्य वर्ग में भी गणित को अनिवार्य कर दिया गया है। बात करें डिटेल खबर की, देखिए मेरठ जेएनएन यानी जागरण न्यूज नेटवर्क से खबर लगी है, सीबीएसई की ओर से बोर्ड परीक्षा का दबाव कम करने के लिए जहां गणित को आसान बना दिया गया, वहीं यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल स्तर पर प्रारंभिक गणित को समाप्त कर गणित का केवल एक ही पेपर कर दिया है। साल 2020 यानी जो लोग इस बार 9वीं की परीक्षा देंगे और जो लोग 11वीं की परीक्षा देंगे उनको 2020 में बोर्ड की परीक्षा में उनको प्रारंभिक गणित नहीं मिलेगा, उनको मुख्य गणित ही चुनना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ डिटेल आपको दिखा रहे हैं। यूपी बोर्ड के 10वीं के छात्रों को अनिवार्य रूप से गणित विषय को चुनना होगा। साल 2019 की बोर्ड परीक्षा से एनसीईआरटी के सिलेबस को लागू करने के साथ ही यूपी बोर्ड ने 9वीं में गणित को एक विषय कर दिया है। इस साल 9वीं उत्तीर्ण 10वीं में पहुंचे हर परीक्षार्थी को 2020 में गणित की परीक्षा से गुजरना ही होगा। तो इसका मतलब है कि यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम समिति के सदस्य के इंटर कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर वीर बहादुर सिंह ने बताया कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल सिलेबस से प्रारंभिक गणित को हटा दिया गया है, अब केवल एक ही गणित का विषय है। इससे पहले कला व वाणिज्य वर्ग के छात्र प्रारंभिक गणित चुन सकते थे, लेकिन अब उन्हें मुख्य गणित विषय को चुनना होगा। इसमें केवल बालिकाओं को एक विषय चुनने का ऑप्शन मिलेगा। छात्राएं गणित के साथ गृह विज्ञान विषय को चुन सकती हैं। इसे गणित में रुचि न रखने वाले छात्रों को भी गणित को पढ़ना ही होगा। तो यह एक बड़ी मुसीबत हो गई उन छात्रों के लिए जो लोग प्रारंभिक गणित लेना चाहते थे या जो लोग पढ़ाई करते थे यूपी बोर्ड में, कॉमर्स लेते थे इंटरमीडिएट में या फिर वो आर्ट लेते थे यानी कला वर्ग से आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई करते थे 11वीं में, उनको भी अब गणित यानी मुख्य गणित पढ़ना ही होगा। तो यह एक बड़ा बदलाव हुआ है यूपी बोर्ड में। यही बताना था आप लोगों को, कैसी लगी यह जानकारी बताना मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब